उनको भी नहीं कहना चाहती हूँ कि अगर नहीं जाना चाहते ना जाए, जाके लक्षद्वीप में घूम के आए। ठीक है ना, पॉइंट तो वही है, घूम के ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, बात तो वही है। ठीक है, आप 100 मीटर बकवास है, वो पहले तो चारों शंकराचार्य, चौथिया कौन है, शंकराचार्य कौन सा शंकराचार्य ने बोला है? एक शंकराचार्य ने बोला ना, एक शंकराचार्य ने बोला है कि वहाँ पे अधूरी है, जो वहाँ पे झंडा ही लगा वो कांग्रेस ही है। वो तो पहले भी विरोध कर रहे थे, यदि उनके शंकराचार्य के पुराने वीडियो उठा के देखे जाए तो हमेशा से मोदी जी के खिलाफ थे। जब मंदिर बना नहीं था तब कह रहे थे कि कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट। जब कोर्ट का फैसला आया, मंदिर बना, आज इस स्थिति में आ गया है कि हम उधर पे पहला फ्लोर तैयार हो गया है, अब आगे के फ्लोर बनते रहेंगे, उनको दिक्कत। बच्चे जन्म लेते हैं तो एक ही बार दौड़ना शुरू नहीं हो जाता है, छोटा से बड़ा होता है, उसके बाद बहुत कार्यक्रम होते हैं। शंकराचार्य नहीं जा रहे? अरे नहीं जाना, नहीं जा रहा, क्या दिक्कत, उसको राम अपने आप बुला लेगा, जब बुलाना होगा अपने आप बोलेंगे, जाते समय जय राम, हे राम, हे राम करके जाएंगे वो। हाँ, समय आने पर अपने आप बुला लेंगे राम। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देखना शुरू कर चुके न्यूज प्लेट वाले के, जितने 22 जनवरी करीब आ रही, प्राण प्रतिष्ठा का जितने करीब आ रहा है उतने बयानबाजी बढ़ गई है। वहीं साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने जिस तरीके से विरोध जताया, कहा है कि जो मुहूर्त जो पूजा 48 घंटे तक होती वो केवल 48 मिनट में कैसे की जाती। वहीं एक शंकराचार्य ने कहा है कि अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या हम वहां बैठ के ताली बजाएंगे। इसी पे चर्चा करते हैं कि क्या लग रहा है कि जनता को, जिस तरीके से चारों शंकराचार्यों ने विरोध जताया तो इस पर जनता का क्या कहना है, क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से चारों शंकराचार्यों ने विरोध जताया है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? अब आप अपने हिसाब से बोल रहे हो कि उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने धर्मशास्त्रों के हिसाब से जो कुछ चीज़ें कही होंगी, धर्मशास्त्र के मेरे से, मोदी जी से या इस देश की जनता से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उन्होंने जो कहा होगा अच्छा ही कहा होगा, तो उसमें विरोध वाली बात क्या है कि उन्होंने विरोध किया, विरोध नहीं किया उन्होंने, एक हमारे को मार्गदर्शन करने का काम किया है, हम उसको माने चाहे ना माने, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को निभाया है। लेकिन कि अगर मोदी जी है, क्या यशोदा बेन को प्राण प्रतिष्ठा में लेकर आएंगे, कुछ लोग ब्रो इस बात को कह रहे हैं। सबसे पहले भारत माता की जय। हाँ। और जय श्री राम। हाँ। मैं भाई साहब के विचार रखे, भाई साहब ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, एक बात मैंने इनकी बहुत ही अच्छी लगी कि जो सीनियर सिटीजन है, जिस तरह से चारों शंकराचार्य ने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, देखो वो मैं कहता हूँ वो हमारे धार्मिक, हमारे मंठ के बहुत ही वरिष्ठ हमारे शंकराचार्य हैं, और उनका जो बात है, उनकी जो अपनी मन की जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल सही कही होगी, क्योंकि उनसे मंठ के हैं, चारों धाम के हैं, और उनसे बड़ा हम क्या, जो धार्मिक कार्य होता है। तो ये एक आपने अभी बात रखी है, मैंने हाँ सॉरी भाई साहब ने एक बात रखी कि वरिष्ठ नागरिक, आप रणबीर कपूर, दिव्या भारती, मतलब क्या थे जो, मतलब आलिया भट्ट, सॉरी आलिया भट्ट वगैरह। हाँ। देखो ये जिस तरह से है, फिल्म स्टार है, ठीक है, किसी सभी का भगवान श्री राम पूरे देश के हैं। हाँ। पूरी दुनिया के हैं, हर सनातनी के हैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ हर धर्म के हैं भगवान श्री राम, लेकिन जिस तरह से ये वहाँ उनको बुलाया गया, इससे सबसे बड़ी बात एक और है कि वरिष्ठ, हम भी कह रहे विष्णु का अवतार क्या हो गया, मानना है तो आप ही, कोई दिक्कत है क्या राम मंदिर से? हमें कोई दिक्कत, तो फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो, और दूसरे समुदाय के लिए क्यों नहीं पूछ रहे, राम मंदिर से क्यों दिक्कत है क्या आपको? राम मंदिर से आज मानो वहाँ पे सब कारोबार बढ़ रहा है, वहाँ पे डेवलप हो रहा है। हाँ। वहाँ की युवा को रोजगार मिल रहा है। हाँ। आज देख लो कितने अच्छा एयरपोर्ट बना है वहाँ अयोध्या में। हाँ। कितने बढ़िया हाईवे बना है, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे? अरे नहीं जाना, नहीं जा रहा, क्या दिक्कत, उसको राम अपने आप बुला लेगा, जब बुलाना होगा अपने आप बोलेंगे, जाते समय जय राम, हे राम, हे राम करके जाएंगे वो। हाँ, समय आने पर अपने आप बुला लेंगे राम। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुहूर्त होना चाहिए एग्जैक्टली 48 घंटे का, भाई उनका कहने से होना चाहिए कि 1,40,00,000 लोग के कहने से होगा। एक फारूक अब्दुल्ला क्या बोला पता है आपको, बोला राम सबका है, सबका 140 करोड़ अमामों का राम है, कोई एक आदमी का राम नहीं है। हाँ। जब फारूक अब्दुल्ला ये बात बोल सकता है तो उसको शंकराचार्य को भी समझ लेना चाहिए। हाँ। ये महबूबा मुफ्ती देखो जल अभिषेक करता है। हाँ। आज देख लो मोदी के आने वाले लोग भी जल अभिषेक करना शुरू कर दिए हैं। हाँ। फारूक अब्दुल्ला बोलता है सबका राम है। हाँ। यही चीज पहले अगर समझा दिए जाते सबको तो आज नौबत ही नहीं मिलता नहीं कांग्रेस को, आज राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री होता, लेकिन ये कोई सिखाया नहीं उसको, भाई पैजामा तो पहना देता, नारा बना कोई सिखाने राहुल गांधी को, समझ गए? आप कह रहे हैं कि सिखा देते, लेकिन आपने भी तो देखा होगा ना कि राहुल गांधी बनारस के कॉरिडोर में भी गए थे, और भी कई जगह तो गए ना, पूजा पाठ तो करते हैं ना। तो हम तो ये भी देखे थे राजस्थान 2018 के चुनाव में, जैसलमेर में बोले थे हम हिंदू धर्म के मानते नहीं है, हम ये भी देखे थे। हम ये भी देखेंगे ना इस चीज को। हाँ। हम ये भी देखेंगे जो अमेरिका में जाके बोल, लेकिन बाबा बागेश्वर का ये कहाँ तक कहना सही है कि जो लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वो रावण की संतान है। हमारा ये कहना है आप मोदी के विरोध करो लेकिन देश के विरोध मत करो। मोदी का विरोध नहीं कर रहे ये लोग, क्या है मोदी के विरोध करते करते देश की विरोध करते हैं। जब G20 हुआ था हमारा भारत के देश में समिट हुआ था G20 का, बाहर से लोग आए थे, इतना कितने करोड़ का खर्चा भी हुए थे। राहुल गांधी उस समय देश से बाहर जाके जो देश हमारा देश की तोड़ने की बात करे, जो हमारे देश के खिलाफ बोलता है उससे जाके मिलने का काम करते हैं, बोलता देश में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में। हम कह रहे हैं देश की दलित महंगाई है या नहीं है, मैं कह रहा हूं देश की दलित खतरे में है, न देश के मुसलमान खतरे, न देश
की संविधान खतरे में वो है जो 19 साल जितनी 56 साल से जो नेता जनता का ठका है उसकी दुकान खतरे में। सिंपल सवाल, महंगाई है या नहीं है? आज भी कोरोना काल की बात नहीं सर, सवाल महंगाई है या नहीं है बोलने के मौका दीजिए ना अपने। आप ही दोनों सवाल कर लीजिए, आप बताएं। भारत एक से भारत में जो है कोरोना काल के बाद महंगाई दर हर कंट्री से कम है। हाँ। विकास दर हर कंट्री से हमारे देश की ज्यादा है। हाँ। कोरोना काल के बाद भी विधानसभा बना के दिए। हाँ। दिए कि नहीं दिए? कोरोना काल के बाद भारत मंडप बना के दिए। G20 हमारे देश में कोरोना काल के बाद भी हुआ है। आज राम मंदिर बन रहे 950 करोड़ रुपया के। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बन रहा है। जलधन योजना खाता सब खाता खोलवाने के काम के आवास योजना के मकान दिए हैं, शौचालय दिए हैं, और क्या चाहिए आपको विकास? लेकिन विपक्ष पार्टियां तो कह रही है कि क्या ही क्या है, है? बेचा है कह रही है। क्या बेचा? मैंने बेचा तो है, जैसे रेलवे को बेच दिया। हाँ, और बहुत से एयरपोर्ट और 30 बेच दिया। हाँ, सब जो है सब अडानी। हाँ, और क्या है मतलब वो जो नितिन गडकरी की कंपनियां। हाँ, सब कमा रहे हाईवे वही बना रहे हैं। हाँ, अडानी का सीमेंट है। सिंपल सवाल पूछूंगी आपसे, आपकी एज क्या है? मेरी 71। 71 है, क्या लग रहा है आपको, पहले महंगाई थी या अब महंगाई है? महंगाई तो पहले भी थी, लेकिन रोजगार थोड़े युवाओं को कम मिल रहे हैं, आपको पता है इस चीज़ का। अच्छा, मतलब रोजगार कम मिल रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन कैसे, और चलिए 9 साल मोदी जी की सरकार को हो गए। हाँ। कैसा लगा 9 साल का राज आपको मोदी जी का? मोदी का राज जो है ना भाई, हम तो अपना कर रहे खा रहे हैं। हाँ। राज करने वाले तो राज कर रहे हैं। नहीं, आपको कैसा लगा, सुविधाओं में बदलाव आया हो, या फिर जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि हमने शौचालय दे दिया? टेक्नोलॉजी तो डेवलप की है। हाँ। वो तो हर कंट्री वर्ल्ड की कर रही है। हाँ। इसमें सॉफ्टवेयर है या आईटी है, ये तो सब डेवलप कर ही रही है। हाँ। उसके बगैर गुजारा नहीं है। हम आप पहले कहते हैं सुनो, एक मिनट, जैसे मान लो पहले वो थे वैसे रक्षा, मैनुअल रक्षा। हाँ। चल, अब वो चल गए वो इलेक्ट्रॉनिक चल गए। अगर वो ना हो और मैटर ना हो तो दिल्ली का गुजारा ही नहीं। तो इसलिए जो है ना वो तो पहले से ही होता आ रहा है। हाँ। धीरे धीरे एडवांसमेंट तो होगा ही। हाँ। पीछे तो जाएगा नहीं कंट्री। हाँ। कहीं भी। हाँ। लेकिन जो आप कह रहे थे बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, वो रावण की संतान है या कोई राम की है रावण की है, उसका कोई DNA टेस्ट कराया उसने कोई, या ऐसे ही बोल दिया? कह रहे हैं नहीं, कहने से कुछ नहीं होता। हाँ। ये तो मतलब जब भी कह सकते हैं भाई ये। हाँ। इस बाप का बेटा है। हाँ। कि उसका DNA टेस्ट कराया हो। हाँ। तो ऐसे तो कोई भी बोल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे कि महंगाई है, महंगाई है देश में। मुझे तो लगता है कि अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, प्रोग्रेस हो रही है देश में, जनता कुछ भी बोले, लेकिन मुझे तो लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है मोदी जी की सरकार में। क्या मोदी जी के राज में हो रही है? मैं तो ये बोल रही हूँ कि हाँ, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है बल्कि घट रही है। युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं, नए स्टार्टअप मिल रहे हैं, नए स्टार्टअप हो रहे हैं, तो मैं तो मोदी जी की साइड पे हूँ। लेकिन विपक्ष पार्टियाँ कह रही है, जो विपक्ष पार्टियाँ कह रही है कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, विपक्षियों का रोजगार छिन गया मैडम। अच्छा, इसीलिए दिक्कत हो रही है। हाँ। वही मनमोहन सिंह कहते थे पेड़ पे पैसा नहीं रुकता है। हाँ। आज किसी भी चीज के लिए पैसों की कमी नहीं है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हाँ। वो पुल बनने हो कहीं पे, चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब जगह कम से कम 10 गुनी गति से काम हो रहा है। हाँ। और कहीं कोई पैसों की कमी नहीं हो रही है। हाँ। ये जो बेरोजगार हो गए हैं राजनीतिक रूप से। हाँ। वो सब कह रहे हैं कि बेरोजगारी। सवाल सबसे पूछूंगी एक एक करके, तिलक लगाए आपसे पूछो, क्या लग रहा है चारों शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे, क्या लग रहा है? अब एक बात बताइए, बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं तो एक ही बार दौड़ना शुरू हो जाते हैं क्या? बच्चे जन्म लेते हैं तो एक ही बार दौड़ना शुरू नहीं हो जाता है, छोटा से बड़ा होता है, उसके बाद बहुत कार्यक्रम होते हैं। तो अभी तो उसी तरह मंदिर बड़ा हो जाएंगे, या अभी शुरुआत स्केल है। और विपक्ष अभी जो सनातन, मेरा सवाल ये था सर कि चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे, कह रहे हम नहीं आएंगे प्राण प्रतिष्ठा। वो तो पहले भी विरोध कर रहे थे। यदि उनके शंकराचार्य के पुराने वीडियोस उठा के देखे जाएं तो हमेशा से मोदी जी के खिलाफ थे। जब मंदिर बना नहीं था तब कह रहे थे कि कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट। जब कोर्ट का फैसला आया, मंदिर बना, आज इस स्थिति में आ गया है कि हम उधर पे पहला फ्लोर तैयार हो गया है। हाँ। अब आगे के फ्लोर बनते रहेंगे, उनको दिक्कत क्या हो रही है? कह रहे हैं कि अगर अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो तो वहाँ पिशाचों का वास हो जाता है। सब बकवास है, वो पहले तो चारों शंकराचार्य और चौथिया कौन है, शंकराचार्य कौन सा शंकराचार्य ने बोला है? एक शंकराचार्य ने बोला ना, एक शंकराचार्य ने बोला है कि वहाँ पे अधूरी है, जो वहाँ पे झंडा ही लगा जो ऑफ होना वो कांग्रेस ही है, वो कांग्रेस ही नहीं है। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं केवल धर्म की बातों को कह रहा हूँ कि जो सही ढंग से हो पूजा। अरे धर्म की बातों को कह रहे हो, राम भद्राचार्य महाराज। हाँ। उनसे बड़ा धर्मवादी कोई है क्या? आप हमें बात बताइए, उनसे बड़ा धर्मधारी आप हमें दिखाइए कौन है संसार में? हाँ। राम भद्राचार्य जी महाराज। हाँ। जगत गुरु उनका ऐसे नहीं बोला जाता है मैडम। हाँ।
जगत गुरु उनको ऐसे नहीं बोला जाता। हाँ। वो राम भद्राचार्य है, बिन आग के भी आपका भविष्य बता देंगे। हाँ। हाँ। और वो शंकराचार्य दो दिन हुए उसे शंकराचार्य व्यासपीठ उसे मिले हुए। हाँ। हाँ। कह तो रहे ना कि हम प्राप्त वही शंकराचार्य जो बोल रहा था वो मजारों में चादरें उड़ाता है। हाँ। समझ रहे हैं वो शंकराचार्य वो सत्येंद्र प्रसाद जो वहाँ का पुजारी, देखो सत्येंद्र प्रसाद जो चार बंदे हैं जो शंकराचार्य है पता नहीं जो भी है उनके बाद मटके है जो है, जब चार के एग्नेस्ट में 4 करोड़ लोग एग्री है मेजोरिटी बस वही काउंटेबल है। हाँ, काम खत्म। हाँ, उनको कौन पूछता है आप रहो। हाँ, वस्त्र पहनो बोलते रहो कोई बात नहीं है, बोल नहीं रहे क्या। हाँ, 4000 किलोमीटर रनिंग किए ना, 3 स्टेट हार गए। हाँ, 100 मीटर यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल शंकराचार्य की ना 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 पॉइंट तो वही है, घूम के ऐसे पकड़ो बात तो वही है। ठीक है, आप 100 मीटर अभी प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाके जी पैदल गए, 4000 किलोमीटर रनिंग किया एक लीडर ने, 3 स्टेट हार गए। अब 100 मीटर अभी लक्षद्वीप में गए हैं प्रधानमंत्री हमारे। हाँ, देखो क्या हो रहा है, एक कंट्री का उसका इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया है। कह रहा है भाई भीख मांगेगा 2-4 दिन के बाद। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म होता है उसमें पूजा अकेले बैठ के नहीं होती है, मोदी जी की वाईफाई क्या वो यशोदा बेन को लाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। क्या अकेले क्यों है, उनके साथ हो जाए 140 करोड़ लोग हैं। जनता की बात नहीं, यहाँ यशोदा बेन की बात हो रही है। तुम वही चीज को पकड़ोगे, 140 को नहीं पकड़ोगे, ये कौन सी बात है भाई। कोई बात नहीं, आप कह रहे हो अकेले पूजा नहीं होते, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, तो आपको भी तो पता होगा क्यों कह रहे हैं। अगर होती क्यों नहीं हो सकती, आपको पता है जब रामचंद्र जी जो जब उन्होंने सेतु बनाया था वहाँ पर लंका में चढ़ाई करने के लिए, उससे पहले पूजा करी थी, हवन वगन किया था, तो उस टाइम उनके साथ सीता जी तो नहीं थे, सीता जी को तो वो ले गए थे रामचंद्र जी। ठीक है, और जब जब लंका के अंदर सारे योद्धाओं को मार गिराया, आखिर में रावण से लड़ाई करने, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था, उससे 1-2 दिन पहले उन्होंने दुर्गा की पूजा रखी। हाँ, हवन करा दर दुर्गा पूजा का। हाँ, ठीक है। हाँ, वहाँ भी वो लक्ष्मण के साथ बैठे अकेले, क्योंकि सीता नहीं, तो काम हुआ ना, तो काम कोई नहीं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि वो पत्नी के साथ बैठने चाहिए, जो लोग कह रहे हैं पत्नी के साथ नहीं बैठे, अब बताओ ना पत्नी ने उनको छोड़ा या उसने उनको, ये उनका पर्सनल मैटर है, उनके पास पत्नी है नहीं, अगर होगी तो रख लेते। ऐसे बहुत से लोग डाइवोर्स ही होते हैं वो भी नहीं उठाते, तो ये सब बेसलेस बातें हैं। और शंकराचार्य जी जो जितने चारों मठ के जो शंकराचार्य जो बायकॉट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आज, पता है आज स्वामी जो जो वहाँ के जो आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं पुजारी राम मंदिर के, उन्होंने सब बोल दिया जितना भी कुछ हो रहा है ये शास्त्रों के अनुकूल हो रहा है, शास्त्रों के अनुसार हो रहा है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब कोई नहीं आना चाहते बहाना कर रहे हैं तो करते रहे, उसमें कोई नहीं, सब शास्त्रों के अनुकूल हो रहा है, और कोई इसमें वो हो रहा है। क्या लग रहा है वही सवाल कि चारों शंकराचार्य कह रहे हैं हम नहीं आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर नहीं जाना चाहते ना जाए, जाके लक्षद्वीप में घूम के आए, यही उनके लिए बैठ गए। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता, जिसका क्या कहना है, चारों शंकराचार्य ने जिस तरीके से विरोध जताया और कहा है हम प्राण प्रतिष्ठा में राम मंदिर में नहीं जाएंगे, उसमें जनता की राय क्या है। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लेटफॉर्म, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।